नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। इन 5 सालों में पीएम मोदी की लोकप्रियता में कई बार उतार चढ़ाव आए, फिर चाहे वो नोटबंदी का दौर रहा हो या फिर बीजेपी शासित 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत। चुनावी बिगुल बजते ही कांग्रेस से लेकर मोदी विरोधी दलों ने खूब कोशिशें की कि मोदी सरकार पर दबाव बनाया जा सके, फिर चाहे नोटबंदी का दौर हो या आतंकी हमले हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा। लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले सत्तारूढ़ सरकार में 3 ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिसके चलते पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ एक झटके में शिखर पर जा पहुंचा है। आलम यह है कि पीएम मोदी की इस बढ़ती लोकप्रियता से आज विरोधी चित हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, शिखर पर पहुंची मोदी की लोकप्रियता, विरोधी हुए चित। तो 2019 की चुनावी लड़ाई पीएम मोदी बनाम मोदी विरोधी दल हो चुकी है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों का सिर्फ एक ही नारा है, मोदी हटाओ। और इस चुनावी चौसर को जीतने के लिए राजनीतिक दल अपने अपने दांव खेल रहे हैं, चाले चल रहे हैं, मोदी विरोध का माहौल बना रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे उनकी ये तमाम कोशिशें धराशाही हो गई है। पीएम मोदी ने 3 ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेले हैं कि फ्रंट फुट पर खेल रही विपक्ष पार्टियां क्लीन बोल्ड हो चुकी हैं। जिन 3 फैसलों से मोदी विरोधी चित हैं, उनमें से पहला फैसला पीओके पर एयर स्ट्राइक है, दूसरा फैसला जॉब कोटा और तीसरा फैसला किसानों के खाते में सीधा कैश भेजना है। यह हम नहीं बल्कि एक चैनल की ओर से किए गए सर्वे में पाया गया है। सर्वे की माने तो हर 10 प्रतिभागियों में से 4 लोग चाहते हैं कि मोदी वापस देश के प्रधानमंत्री बने, और 2014 के चुनावों की तुलना में ये 7% ज्यादा पॉइंट्स हैं। एयर स्ट्राइक, आरक्षण और कैश ट्रांसफर, ये 3 ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जिन्होंने पीएम मोदी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। उनकी लोकप्रियता पहले के मुकाबले बढ़ती जा रही है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। भाइयों और बहनों, यहाँ के भाजपा के उम्मीदवार को दिया गया आपका एक एक वोट, आपका एक एक वोट जब भी आप कमल पे बटन दबाएंगे, वो सीधा सीधा मोदी के पास पहुंचने वाला है। वैसे 3 राज्यों में मिली जीत से भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी थी, लेकिन जब कांग्रेस खेमे से एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे गए तो पूरी पार्टी बैकफुट पर आ गई। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कैसी है, इनको पहचानिए। पाकिस्तान ने खुद ने कहा, सबसे पहले ट्वीट पाकिस्तान ने किया कि हिंदुस्तान की सेना ने हमारे गजर में घुस करके मारा है। उन्होंने कहा हमारे देश में ऐसे सरफरे लोग हैं, उन्होंने 7-8 बजते बजते क्या चालू किया पता नहीं, ये बालाकोट कहाँ है, ये हिंदुस्तान, ये आपने देखा होगा, ये टीवी पर था, यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए, उनके उनके ऑनलाइन मैगजीनों में था, अभी तो 3-4 घंटे हुए थे, शुरू हो गए, ये बाला पाकिस्तान कह रहा है मारा, पाकिस्तान बोल रहा है हमें मारा, मोदी आकर के मार के चला गया वो बोल रहा है, और यहां लोगों की नींद हराम हो गई, वो क्या कर रहे थे, सुबह 7-8 बजे शुरू कर दिया। ये बालाकोट हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, ये बालाकोट भारत की सीमा में है कि पाकिस्तान की सीमा में है, ये बालाकोट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है कि हमारे कश्मीर के बगल में है, ये बालाकोट अभी तो पूरी जांच नहीं कि पाकिस्तान रो रहा है और यहां उनकी मदद करने के लिए निकल पड़े, देश को गुमराह करने के लिए हमारे ही देश का खाना खाने वाले
चिल्ला चिल्ला करके कहने लग गए। टीवी चैनलों से लेकर मैगजीन तक लोकप्रियता के मामले में शुरुआत से ही पीएम मोदी का ग्राफ शानदार रहा है, लेकिन बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उन्हें इस चुनाव में मिलेगा या नहीं, ये तो 23 मई की तारीख बताएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। पसंद है 2014 से पहले आए दिन आतंकवादी हमले होते, वो कहां से आते थे, कौन उनको भेजता था, ये तब की सरकार को भी पता था। लेकिन हमारे जांबाज सपूत तब की सरकार से बदला लेने के लिए बार बार कहते थे, एक के बाद हमारे जवान शहीद होते जा रहे थे, कदम उठाने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार के कदम फैसला लेने से पहले ही डगमगा जाते थे, कांपते थे। पाकिस्तान आए दिन धमकी देता था कि ये किया तो ऐसा कर देंगे, और दिल्ली में बैठी सरकार गीदड़ भप्पी से भी हिल जाती थी। लेकिन जब से आपने दिल्ली में इस चौकीदार को बिठाया है, अब कोई गीदड़ भप्पी से नहीं डरता। नया हिंदुस्तान अब अपनी सुरक्षा के लिए आतंक के आतंकों को घर में घुसकर मारने के लिए तैयार बैठा। रोज का नाम सुनते ही लोग फूलों की बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में रोज सुनते ही गरीबों को कांटा चुभने की याद आने लगती है। नारद मुनि तीनों लोकों में नारायण का जाप करते थे, लेकिन इन्होंने पश्चिम बंगाल की पहचान नारदा घोटाले से जोड़ दी। शारदा नारदा, रोज भाई और बहनों, इन घोटालों ने आपके जीवन भर की कमाई को लूट लिया। लूट की रकम किसकी तिजोरी में गई है, ये आप बड़ी भांति जानते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, गरीबों को लूटने वाले एक एक लुटेरे का हिसाब ये चौकीदार करके रहने वाला है। साथियों, ये आपका चौकीदार आपके हितों की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए पूरी तरह चौकन्ना है, पूरी तरह समर्पित है। पश्चिम बंगाल में बुआ भतीजे की जोड़ी इस महान धरती को गुंडों, घुसपैठियों, जानवरों और इंसानों की तस्करों, टोलाबाजों, इनका गढ़ बनाने पर ये जोड़ी तुली हुई। हालात ये है कि लोगों की आस्था पर भी
स्पीड ब्रेकर लगाने का काम ये दीदी और उसके साथियों ने किया। दीदी को आपकी भलाई के लिए झुकना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, दीदी ने जो मलाई वाला रास्ता पकड़ा है उस मलाई वाले रास्ते को भी छोड़ना पड़ेगा। साथियों, दीदी का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना जरूरी है। ये धरती इतने सामर्थ्य से भरी हुई है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, यहां के गौरव को, यहां के नागरिकों के जीवन को तबाह करने पर तुली है। क्या दीदी ने आपको बताया कि क्यों पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की जा रही है? क्या दीदी ने आपको बताया कि क्यों परीक्षा पास करने के बावजूद यहां के हजारों युवाओं की नौकरी पर ब्रेक लगा दिया गया है? क्या दीदी ने आपको बताया कि यहां के चाय बागानों में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को रोकने का काम क्यों किया जा रहा है?